अभी तक हमने कैलकुलेशन ऑफ वर्क में दो केसेज देखे हैं। पहला केस है जिसमें कि फोर्स कांस्टेंट था, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हमने फाइंड करा। दूसरा केस था जब फोर्स वेरिएबल था, यानी वेरिएबल फोर्स के कारण से वर्क डन जो है फाइंड किया। तीसरा केस हम लोग देखेंगे जिसमें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है उससे हम लोग वर्क डन की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना दिया गया हो, सपोज वाई एक्सिस पर फोर्स लगा गया है एफ, और ये जो एक्स एक्सिस है इस पर रखा गया है डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा है, तो एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो ये बताता है वर्क डन बाय फोर्स, एरिया अंडर कर्व ये आ जाएगा एफ इंटू डीएस, क्योंकि इंटीग्रेशन से हम लोग एरिया निकालते हैं। आपको ध्यान हो जब हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे तो मैथमेटिकल टूल्स में क्या होता है कि अगर ये वाई और एक्स का ग्राफ हो और ये कर्व हो तो इसमें एरिया निकालना होता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वाई डीएक्स। इसमें क्या है, वाई एक्सिस पर फोर्स है और एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका एरिया अंडर कर्व निकालना हो तो वाई के जगह पर एफ और एक्स डीएक्स के जगह पर डीएस ये आएगा। तो एरिया अंडर कर्व जो है वो ये आएगा। और हमने देखा कि जब फोर्स वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन से जो वर्क डन निकालते हैं उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, यानी ये जो टर्म है ये वर्क डन बताएगा। ठीक, तो ये कहा जा सकता है कि इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स एफ। ठीक है, तो इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ये है, जैसे इधर जो फोर्स है सपोज ये न्यूटन में दिया हुआ है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये मीटर में दिया हुआ है। हमें ग्राफ दिया गया कि जो फोर्स है कुछ इस तरह से वैरी कर रहा है ना। ये फोर्स का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो है 10 न्यूटन, ये हो गया 4 मीटर और ये हो गया 8 मीटर, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है पार्टिकल का 0 से 8 मीटर तक हुआ है, और फोर्स जो है 0 से वैरी करता करता पहले 10 तक गया, फिर 10 से घटता घटता 0 हो गया है ना। इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, तो इसका वर्क डन निकालने का मतलब है कि हम लोग एरिया निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया आएगा हाफ, बेस आ जाएगा 8 और जो हाइट है ये आ गया 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया 40 जूल। ठीक, अब जैसे ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसी तरह से कई बार हमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी दिया रहता है। अगर हम ऐसा मान लें कि वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन दे दिया गया है और एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें अगर एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व फाइंड करके इसमें हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, इसका एरिया अंडर कर्व आएगा ए इंटू डीएस। ठीक, जैसे इसमें एफ इंटू डीएस आया था उसमें आएगा ए इंटू डीएस, क्योंकि मास से मल्टीप्लाई किया है तो मास यहां आ जाएगा। अब आप देखें कि ये जो वैल्यू है इसको हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू ए इंटू डीएस, तो ये क्या है, ये एक्चुअली में फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये जो वैल्यू आएगा ये बताएगा वर्क डन।
ठीक है। तो अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो और वर्क डन पूछा जाए तो क्या करना है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है वो फाइंड करेंगे और ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल इस पर भी कर लेते हैं। सपोज इधर एक्सेलरेशन दिया गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और इधर जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, ठीक। अब देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग आगे की तरफ खिसका सकते हैं। सपोज ये ग्राफ है ना। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पहला काम हमें करना है कि इसका एरिया निकालना है। ये जो ग्राफ है ये दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो है ये दिया गया है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है 2 मीटर, 4 मीटर और ये है 6 मीटर, ठीक। तो अब अगर इसमें हम लोग निकालेंगे वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इक्वल टू 2 kg, ऑब्जेक्ट का मास भी हमें दिया हुआ है, तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहला काम करेंगे एरिया निकालेंगे। तो एरिया यहां से देखेंगे कि ये वाला जो एरिया आएगा वो आएगा पॉजिटिव में, और ये आएगा 20 जो है ये आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो एरिया आएगा ये आएगा -20, ये जो है हाइट 10 है और ये 20 है। तो टोटल एरिया आप निकालेंगे जो भी है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए डी एक्स इंटू एम। तो मास तो इसका 2 केजी दिया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है एरिया बताता है, तो एरिया इसमें आ जाएगा +20 -20 0। इसका मतलब है कि कुल वर्क डन जो है वो जीरो हुआ है। तो पहले कहा जा सकता है कि पहले दो मीटर तक फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया था, यानी वेलोसिटी उसने बढ़ाई होगी, फिर अगले 2 मीटर तक उसने कोई भी वर्क नहीं किया, फिर उसके आगे अगले 2 मीटर तक उसने निगेटिव वर्क कर दिया, उतना ही निगेटिव वर्क कर दिया जितना पहले पॉजिटिव वर्क करा था। तो जितनी एनर्जी उसके पास आई थी उतनी एनर्जी फिर गायब हो गई, टोटल वर्क डन जो है वो हो गया जीरो, ठीक। तो अब इसके बाद जो है हम लोग कुछ और ऐसे एग्जांपल्स करेंगे, वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें कि कांस्टेंट फोर्स वाला केस भी होगा, वेरिएबल फोर्स वाला केस भी होगा, और ये ग्राफ वाला केस भी होगा। तो तीनों के कॉम्बिनेशन वाला या कॉम्बिनेशन ना भी हो, तो डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स जो है अब हम लोग करने वाले हैं। तो ये हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन दिखाया गया है जिसका इंक्लिनेशन जो है वो चेंज हो रहा है। पहले आधे पार्ट में जो है इसका इंक्लिनेशन अल्फा है, और अगले पार्ट में जो है इसका इंक्लिनेशन जो है वो बीटा हो गया है, इंक्लिनेशन जो है इसका बढ़ गया है। लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो यहां से लेकर वहां तक हर जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इक्वल है, ठीक। अब कहा गया कि ये जो ब्लॉक है इसको स्लोली जो है मूव कराते हुए उसको टॉप पॉइंट तक ले जाया गया, तो फ्रिक्शन का जो वर्क है वो हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है ये एक्स है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है यहां से यहां तक ये है वाई, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये जो हाइपोटेनस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, ये हो जाना चाहिए एक्स डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, ठीक, ये वाला लेंथ। उसी तरह से ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है
इसमें बेस तो वाई है और ये जो हाइपोटेनस होगा ये हो जाएगा वाई बाई कॉस बीटा यहां से यहां तक। ठीक, तो देखेंगे कि चूंकि ये ब्लॉक है, ब्लॉक पर ऊपर की तरफ नॉर्मल आएगा एन, इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, और पीछे की तरफ इधर की तरफ चूंकि इसको इधर ले जाया जा रहा है तो इधर फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और इस फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो हम लोग लिखेंगे म्यू एन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। ठीक, तो अब फ्रिक्शन फोर्स जो है यहां से यहां जाने में कितना वर्क करेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, यहां से यहां के लिए लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है म्यू एम जी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट जो है ये वाला ये है एक्स वाई कॉस अल्फा, इसको अल्फा लिखना चाहिए है ना, यहां पर इंक्लिनेशन अल्फा दिया है तो हम लोग यहां पर अल्फा लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स वाई कॉस अल्फा, यहां पर साइन माइनस लगाएंगे क्योंकि फोर्स फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है और इसको आगे की तरफ मूव कराया जा रहा है। अब आते हैं दूसरे वाले सेगमेंट में, वहां भी निगेटिव वर्क होगा क्योंकि फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, वहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा नीचे की तरफ आएगा और इसकी वैल्यू होगी म्यू एम जी कॉस बीटा, है ना, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू एम जी कॉस बीटा, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट होगा वाई बाई कॉस बीटा। ठीक, तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस अल्फा कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर कॉस बीटा और कॉस बीटा को कैंसिल कर सकते हैं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स प्लस वाई। सपोज ये जो हॉरिजॉन्टल बेस है इसका, अगर ये हॉरिजॉन्टल बेस हमें पता हो, टोटल जो है मान लेते हैं कि एल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस म्यू एम जी इंटू एल, एल का मतलब हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से एक ऐसा रिजल्ट आ रहा है, आप देखेंगे कि मान लेते हैं कि ये अपना इंक्लाइन प्लेन है, ठीक, तो ये इंक्लाइन प्लेन हो सकता है ऐसा हो या ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो या इधर से टेढ़ा मेढ़ा हो, कैसा भी हो इंक्लाइन प्लेन, इस पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसके शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा है, शेप पर डिपेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें आ रहा है म्यू एम जी इंटू एल माइनस, एल क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं इस पास से ले जाऊं या इधर से ले जाऊं या सीधा ले जाऊं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो एल ही होना है, एम जी फिक्स ही है म्यू फिक्स ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक तरह से कहा जाए तो वर्क डन जो है वो इनडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो गया है ना। अगर आपने पहले सुना हो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि वैसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसके बारे में हम लोग आगे भी बातें करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, अभी थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं कि जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं ये फ्रिक्शन फोर्स भी वैसे ही बिहेव कर रहा है यहां पर, क्योंकि जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, तीनों पास से जाने पर वर्क डन इतना ही आएगा, लेकिन एक्चुअली में फ्रिक्शन फोर्स जो है ये फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि जो एनर्जी को कंजर्व कराता हो, उसमें एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी का लॉस नहीं कराता, एनर्जी का डिसिपेशन नहीं कराता है, जबकि फ्रिक्शन फोर्स जो है एनर्जी का डिसिपेशन कराता है। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक्चुअली में यहां पर नॉन कंजर्वेटिव कैसे हुआ, जबकि इसका जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स के दो डिफिनेशन होते हैं, एक्चुअली में दो कंडीशन होते हैं कि जब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फोर्स होगा उसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। पहला कंडीशन ये होता है कि जो वर्क डन है उस फोर्स का वो पाथ से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो फोर्स है वो डिसिपेटिव नेचर का नहीं होना चाहिए। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यहां पर ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि
कि वर्क डन जो है पाथ के इंडिपेंडेंट है, लेकिन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये डिसिपेटिव नेचर का होता है, ये हमेशा एनर्जी का लॉस कराता है, हीट प्रोड्यूस होता है जब फ्रिक्शन लगता है तो, ठीक। तो दूसरे वाला जो कंडीशन है उस वहां पर ये फेल हो जा रहा है, और इसलिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव इसको कहा जाएगा, ना कि कंजर्वेटिव, है ना। आगे हम लोग डिफाइन करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं। अभी मेरा मतलब था कि सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्कडन यहां पर भले ही इनडिपेंडेंट पाथ आ रहा हो लेकिन ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। और ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट भी याद रखना है, कभी भी फ्रिक्शन का वर्कडन निकालना हो किसी टेढ़े मेढ़े पाथ पर तो बहुत ही आसान सा तरीका है, न्यू एमजी माइनस लेंगे और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेना है, टोटल लेंथ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। इससे पहले वाला जो एग्जांपल हमने किया था इसमें हमने फाइंड किया था वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, इसमें जो है वो कई सारे फोर्सेज का वर्क डन फाइंड करेंगे, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया और ग्रेविटी हो गया, इन तीनों फोर्स के कारण से इस पर ब्लॉक पर वर्क डन निकालेंगे। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक लिफ्ट है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी वी से जा रहा है, इसकी जो वी वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, ठीक। अब देखेंगे कि इसके अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है, और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक। अगर ये स्लिप नहीं कर रहा हो तो ये साथ में ऊपर जा रहा होगा, तो हमें बताना है कि इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा। तो ये वर्क डन फाइंड करने के लिए पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, है ना। देखेंगे कि इस पर नीचे की तरफ आएगा एमजी फोर्स और ऐसे इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आना चाहिए नॉर्मल फोर्स, और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो है ऊपर की तरफ कह सकते हैं इसमें फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए। ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि जो एमजी है एमजी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एमजी कॉस थीटा, और एक आएगा पैरेलल एमजी साइन थीटा। चूंकि ये पूरा सिस्टम जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना नीचे और जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना इधर लगना चाहिए, ठीक है। तो इधर mg साइन थीटा लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उल्टे डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्सेज को जीरो करना चाहिए। एट इक्विलिब्रियम आप देख सकते हैं कि n की जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा mg cos थीटा, और जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आ जाएगा mg sin थीटा। ये फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा के इक्वल होना चाहिए और ये नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा के इक्वल होना चाहिए। अब हमें पता करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। पहला काम हम लोग करते हैं फ्रिक्शन का कारण से वर्क डन निकालते हैं। तो उसके लिए हमें दो चीज चाहिए, फोर्स के मैग्नीट्यूड चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। तो देखेंगे कि टी टाइम में हम लोग इसमें टी टाइम में पता करेंगे कितना वर्क हुआ। टी टाइम में ये जो ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ऊपर की तरफ वी टी, है ना। ये वी टी जो है इसका यहां से ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, अब चूंकि ये एंगल थीटा आया है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है थीटा वो इस इंक्लिनेशन थीटा के इक्वल होता है, ठीक। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच का जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्रिक्शन फोर्स को लिखेंगे फिर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट है वी टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमने पहले से पता किया है एमजी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एमजी
साइन थीटा एक यहां पर है और ये भी साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू वी टी, यानी कि एम जी वी टी साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब हम लोग निकालेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, ठीक। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फाइंड करना हो तो नॉर्मल फोर्स लिखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वी टी इंटू, देखेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये नॉर्मल है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हमने यहां पर पहले से फाइंड किया हुआ है, ये है एम जी कॉस थीटा इंटू ये वी टी है, और फिर एक कॉस थीटा और है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो फाइनली कर सकते हैं कि यह आएगा एम जी वी टी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया वर्क डन बाय नॉर्मल। अब अगर हमें निकालना हो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है एम जी, डिस्प्लेसमेंट है टोटल वी टी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये है 180 डिग्री, है ना। एम जी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री होता है निगेटिव माइनस एम जी वी टी, ठीक है। तो हमने इस पर जो तीन फोर्सेज लग रहे थे ब्लॉक पर, तीनों फोर्स के कारण से वर्क डन जो है वो फाइंड कर लिया। अगर तीनों वर्क डन को आप ऐड करके देखें तो कितना आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, तीनों आप ऐड करके देखें तो ये आ जाएगा जीरो। एमजीवीटी फ्रिक्शन में नॉर्मल में दोनों में कॉमन है, एमजीवीटी एक में है साइन स्क्वायर थीटा अलग से रखेंगे और एक में है कॉस स्क्वायर थीटा, और ग्रेविटी का जो वर्क डन है ये आया है माइनस एमजीवीटी, है ना। तो देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है ये तो हो जाएगा वन, तो ये रह जाएगा प्लस एमजीवीटी और ये हो जाएगा माइनस एमजीवीटी, यानी टोटल मिलाकर हो गया जीरो, है ना। तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्सेज लग रहे हों, अगर सारे फोर्सेज का वर्क डन निकाल करके ऐड कर दिया जाए, है ना, तो वो जो है उस ऑब्जेक्ट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, है ना। आगे जाकर हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है, वो आगे पढ़ेंगे, उसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें यहां पर मिल रहा है ना। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्सेज लग रहे हों, सारे फोर्सेज का वर्क डन निकाल करके ऐड करेंगे तो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। आप देखेंगे कि इसकी तो स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही तो यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा होगा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि टोटल वर्क डन जीरो आया था, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमने यहां पर सीख लिया। वैसे ये जो थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं उसको, वो हम लोग अभी आगे जाकर के पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये वाला एग्जाम्पल है वो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, बस फर्क ये है कि इसमें एक लिफ्ट था जो कि ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, और इसमें जो है एक कार है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से चल रही है। बाकी सारा केस एक जैसा है। इस कार के अंदर भी एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, और एक ब्लॉक है जिसका मास है एम, ठीक। तो देखेंगे कि इस पर जो फोर्सेज लग रहे होंगे, एक तो आएगा नीचे की तरफ एम जी, और इस mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर mg साइन थीटा, फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा mg cos थीटा, इधर एक फोर्स आएगा नॉर्मल फोर्स n, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस mg साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए इधर आना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लॉक है या ये जो कार है ये इक्विलिब्रियम है, इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो है नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है उसमें। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर हम बात करें इसके डिस्प्लेसमेंट की,
तो टी टाइम में ये वी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक। तो पहला काम हम लोग ये करते हैं कि फ्रिक्शन का वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वी टी इंटू जो एंगल है, देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का एंगल है थीटा, तो यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा। यहां भी चूंकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एमजी साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको मैं लिख सकता हूं एमजी साइन थीटा। उसी तरह से नॉर्मल फोर्स एमजी कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए, एमजी कॉस थीटा। तो अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैं एमजी साइन थीटा इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आएगा एमजी वी टी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक कॉस थीटा पहले से है और फ्रिक्शन फोर्स में साइन थीटा आ गया। उसी तरह से निकालेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू, देखेंगे नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है ये है 90 प्लस थीटा, तो एंगल रखेंगे 90 प्लस थीटा, यानी ओब्टूस एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, तो वर्क डन जो है वो निगेटिव आएगा, है ना। तो अब एन का जो मैग्नीट्यूड है वो है एमजी कॉस थीटा, नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड है एमजी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट है वी टी, और कॉस 90 प्लस थीटा जो है ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा अगर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो, यानी ये आ गया फाइनली माइनस एमजी वी टी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग निकालेंगे ग्रेविटी का वर्क डन, तो ग्रेविटी में क्या करेंगे कि फोर्स है एमजी, डिस्प्लेसमेंट है वी टी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। देखेंगे एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो इसलिए चूंकि कॉस 90 जीरो होता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया जीरो। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि तीनों फोर्स का जो वर्क डन है उसको ऐड करने से जीरो आ रहा है, यहां भी वैसे ही चेक कर सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स जितना आया है, नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन आया है, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन भी एग्जैक्टली उतना ही है, बस साइन जो है वो नेगेटिव है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएंगे, और ग्रेविटी का तो पहले से जीरो है, यानी टोटल वर्क डन हो गया जीरो। तो टोटल वर्क डन जीरो होने का मतलब ये हुआ कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होना चाहिए, और होना भी चाहिए क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो वेलोसिटी है वो इसकी कांस्टेंट है। तो अभी जो हमने एग्जांपल्स किए उसमें कई सारे फोर्सेस के कारण से वर्क डन निकालना सीखा, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी, है ना। अब जो है हम लोग स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन होता है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कोई स्प्रिंग है, जैसे ये मान लेते हैं कि स्प्रिंग है, है ना। जब ये स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पर होता है तब ये कोई फोर्स नहीं लगाता है, ये इसका नेचुरल पोजीशन है। यहां पर जो इसमें कंप्रेशन या इलोंगेशन कहेंगे वो जीरो है, लेकिन अगर मैंने एक ब्लॉक अटैच कर दिया और ये जो ब्लॉक है इस स्प्रिंग को खींच करके सपोज यहां ले गया, है ना, तो अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन हो गया है एक्स, तो इस ये स्प्रिंग क्या करता है, इस ब्लॉक को खींचता है इधर, और उस फोर्स की वैल्यू होती है के एक्स। तो हम लोग कहते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है ये होता है माइनस के एक्स, यानी जो नेचुरल पोजीशन है वहां से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है, है ना। ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है तो फोर्स जो है आप देखेंगे निगेटिव में आ जाएगा,
अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में करेंगे, यहां से इधर करेंगे, तो एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी तो माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। यानी जब एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्प्रिंग फोर्स है, ये फोर्स इस तरह से लगता है कि यह हमेशा डिस्प्लेसमेंट के, स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में या नेचुरल पोजीशन के रिस्पेक्ट में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर स्प्रिंग फोर्स को ये मान लिया जाए, जहां पर के जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फोर्स कॉन्स्टेंट, या एक और नाम देते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ना? तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है एक्चुअली में स्प्रिंग की रिजिडिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी स्प्रिंग का जो के है वो ज्यादा है, यानी इसकी फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको कंप्रेस करना या एक्सटेंड करना ज्यादा मुश्किल होगा। अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, यानी वो सॉफ्ट स्प्रिंग है, उसको कंप्रेस करना या एक्सटेंड करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है? तो अब ये फोर्स है, तो ये स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करेगा हम लोग कैसे पता करें? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, है ना? तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है ये एक वेरिएबल फोर्स है, और जब भी फोर्स वेरिएबल होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं वर्क डन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो स्प्रिंग फोर्स इनटू डीएक्स, इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। मान लेते हैं कि जो ब्लॉक है इसको हमने डिस्प्लेस करा, पहले ये एक्स इज इक्वल टू एक्स वन पर था, बाद में ये एक्स इज इक्वल टू एक्स टू तक चला गया, मतलब यहां से यहां इसको ले गए, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है x इज इक्वल टू एक्स वन से x इज इक्वल टू एक्स टू तक हो रहा है, तो ये हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू, स्प्रिंग फोर्स जो है वो माइनस के एक्स है इंटू डी एक्स, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे x1 से x2 तक, तो ये आएगा माइनस के बाय टू एक्स स्क्वायर, और लिमिट जो है इसमें रखेंगे एक्स वन टू एक्स टू। तो लिमिट रखने के बाद आप देखेंगे कि जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो आएगा माइनस के बाय टू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, ठीक है? ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि आप बुक्स में देखेंगे, बुक्स में वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो कुछ और दिया रहता है। बुक्स में वर्क डन का फॉर्मूला दिया रहता है माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना? अब इसमें क्या है कि एक्स जो है कंप्रेशन या इलोंगेशन की वैल्यू रखेंगे तो हम बता सकते हैं कि वर्क डन कितना हुआ। इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है, अगर हमें पता करना हो कि जो वर्क डन है पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ, तो हमें फोर्स का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ध्यान रखना होता है ना? लेकिन इसमें हमें ध्यान नहीं रखना होता। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इनिशियल इलोंगेशन या कंप्रेशन x1 की वैल्यू रखेंगे यहां पर, फाइनल इलोंगेशन कंप्रेशन की वैल्यू यहां रखेंगे, ये अपने आप पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू बताता है, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला है वो बेटर फॉर्मूला है। इसमें हमें स्पेशली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उसको ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं होती ये पता करने के लिए कि वर्क डन पॉजिटिव हुआ या निगेटिव। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इस फॉर्मूले में x1 और x2 के वैल्यूज डाल देते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अपने आप पॉजिटिव निगेटिव साइन जो है वो बताएगा, ठीक? अब जो है हम लोग स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन सीखा इस पर एक दो एग्जाम्पल करेंगे। तो अब जो है वर्क डन बाय स्प्रिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है इस पर बेस्ड हम लोग दो एग्जाम्पल करेंगे। दो एग्जाम्पल करने से पहले ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो टर्म है x1 और x2, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो x1 है ये जरूरी नहीं कि इलोंगेशन हो, x2 जो है वो जरूरी नहीं कि इलोंगेशन हो, ये इलोंगेशन कंप्रेशन दोनों हो सकते हैं, और इसलिए मैं x1 को इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं लिख करके मैं लिखूंगा डिफॉर्मेशन,
डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग इनिशियली, और एक्स टू जो होगा ये होगा डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग फाइनली। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि डिफॉर्मेशन में इलोंगेशन भी हो सकता है डिफॉर्मेशन का मतलब, और कंप्रेशन भी हो सकता है। ठीक, अब आते हैं एग्जांपल पे। तो ये जो पहला एग्जांपल है ये कहता है स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय ए डिस्टेंस एक्स इनिशियली, फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इफ स्प्रिंग इज फर्दर स्ट्रेच्ड बाय वाई, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल इलोंगेशन जो है वो है एक्स, जैसा कि शुरू में बताया गया, और जो फाइनल इलोंगेशन होगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, मतलब इलोंगेशन का मतलब क्या हुआ, नेचुरल पोजीशन से हम लोग उसको देखते हैं, नेचुरल पोजीशन के रिलेटिव में देखते हैं। तो नेचुरल पोजीशन से पहले इलोंगेशन एक्स था, जब वाई और इलोंगेशन कर दिया तो टोटल इलोंगेशन नेचुरल पोजीशन के रिलेटिव में कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। तो अब अगर हम लोगों को वर्क डन बाय स्प्रिंग फाइंड करना हो तो हम लोग लिखेंगे माइनस के बाय टू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो माइनस के बाय टू, एक्स टू की वैल्यू रखेंगे यहां पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और एक्स वन की वैल्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा माइनस के बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो है यहां से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फाइनली आ गया माइनस के बाय टू इंटू वाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वाई प्लस टू एक्स। तो कुल मिलाकर के जो वर्क डन है वो इतना आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि दो ब्लॉक दिखाए गए हैं और दोनों ब्लॉक को एक ऐसे स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसका नेचुरल लेंथ जो है वो एल नॉट है, मतलब अभी जो है ये अनस्ट्रेच्ड है। ठीक, अब ये जो दोनों ब्लॉक है इनको पकड़ करके खींचा गया, इनको स्ट्रेच करा गया, तो इनके बीच का, दोनों ब्लॉक के बीच का जो सेपरेशन है अब हो गया एल नॉट प्लस एक्स। तो हमें पता करना है कि ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पर, मतलब दोनों पर एक एक ब्लॉक पर पता करना है कि स्प्रिंग ने कितना वर्क किया होगा। तो आप देखेंगे कि टोटल इलोंगेशन जो है इसमें एक्स होना चाहिए, पहले इसका नेचुरल लेंथ था एल नॉट, अब इसका जो गैप है वो एल नॉट प्लस एक्स हो गया, यानी कि इलोंगेशन तो एक्स ही हुआ है। तो इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना हो तो जो बेसिक फॉर्मूला है जो अभी हमने डिराइव किया था, तो फाइनल इलोंगेशन जो है वो लिखेंगे एक्स, और इनिशियल इलोंगेशन था जीरो, इनिशियल अनस्ट्रेच था, तो ये हो गया माइनस के बाय टू एक्स स्क्वायर। ये स्प्रिंग का टोटल वर्क डन आया। क्वेश्चन में पूछा गया है वर्क डन विद स्प्रिंग ऑन ईच ब्लॉक, यानी दोनों ब्लॉक जो है वो दोनों पर एक एक पर निकालना है, सिंगल ब्लॉक पर वर्क डन निकालना है। तो ये जो वर्क हुआ होगा ये दोनों को मिलाकर के है, दोनों ब्लॉक आइडेंटिकल है, दोनों का मास इक्वल है ना। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों ब्लॉक पर जो है वो इक्वल वर्क किया होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज इक्वल टू इस, ये जो क्वांटिटी आया था इसका आधा कर देंगे तो आएगा माइनस के बाय फोर एक्स स्क्वायर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल जो है वो वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन हम लोग फाइंड करते थे उसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसमें जो है दो पाथ दिया गया है, एक पार्टिकल जो है उसको पॉइंट ए से सी तक ले जाना है तो दो डिफरेंट पाथ से लेकर जाया जा सकता है, हो सकता है ए बी से ले जाया जाए और हो सकता है डायरेक्ट ए से सी तक ले जाया जाए। तो ये जो वेरिएबल फोर्स है ये दिया हुआ है
हमें बताना है कि पाथ एबीसी के अलोंग कितना वर्क होगा और पाथ एसी के अलोंग कितना वर्क होगा, ठीक है। ये दोनों वर्क डन की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन का पहला पार्ट करेंगे, हमें पता करना है वर्क डन अलोंग पाथ एबीसी। तो क्या करेंगे, इसको दो सेगमेंट में पता करेंगे पहले, क्योंकि ए से बी तक पाथ का जो इक्वेशन है वो डिफरेंट होगा और बी से सी तक जो पाथ का इक्वेशन है वो डिफरेंट होगा। इसलिए ये जो वर्क डन है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले ए से बी तक निकालेंगे, यहां पर पाथ का इक्वेशन होगा वाई इज इक्वल टू जीरो। ये एक्चुअली में एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू जीरो। फिर बी से सी तक एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन होगा एक्स इज इक्वल टू टू। तो पहले ए से बी तक ले जाएंगे, फिर बी से सी तक ले जाएंगे और हम लोग वर्क डन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसा कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बताया था, वो था एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, है ना। तो मैं पहले पता करूंगा ए से बी तक, है ना। तो ए से बी तक में ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू आएगा वाई डी एक्स और एफ वाई जो है ये एक्स है, एक्स डी वाई। लिमिट जो है यहां पर ए से बी तक, आप देखेंगे लिमिट है एक्स कोऑर्डिनेट का जीरो से टू और वाई कोऑर्डिनेट का है जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, ठीक है। तो चूंकि इसमें लिमिट जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए ये टर्म तो पहले जीरो हो गया, अब रह गया ये टर्म। इस टर्म में एक अननेसेसरी वेरिएबल है वाई, इस अननेसेसरी वेरिएबल को इलिमिनेट करेंगे कैसे, पाथ इक्वेशन को यूज करके। इसका पाथ इक्वेशन क्या है, यहां से यहां तक का पाथ इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें वाई की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी जीरो हो गया, यानी टोटल वर्क डन हो गया जीरो। उसके बाद हम लोग निकालेंगे वर्क डन इन पाथ बी सी, बी से सी तक निकालेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो यही आएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, लेकिन लिमिट बदल गया है, एक्स कोऑर्डिनेट का लिमिट है टू से टू और वाई कोऑर्डिनेट का लिमिट आप देखेंगे जीरो से थ्री, है ना, जीरो से थ्री, ये हो गया। क्योंकि इसमें लिमिट तो चेंज ही नहीं हो रहा तो इसका तो वर्क डन वैसे ही जीरो हो गया। अब आएंगे इसमें, तो इसमें एक्स जो है ये अननेसेसरी वेरिएबल है, इसको इलिमिनेट करना पड़ेगा और इलिमिनेट करने के लिए ये पाथ का जो इक्वेशन है इसको हम लोग यूज करेंगे। यानी इसके जगह पर ये वाला जो वैल्यू है, एक्स के जगह पर मैं रखूंगा टू डी वाई जीरो टू थ्री, ठीक है। तो यहां पर ये जो है टू को बाहर निकाला जा सकता है, डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई जीरो टू थ्री, तो लिमिट रखने के बाद ये आ जाएगा सिक्स जूल, है ना। यानी कि वर्क डन अलोंग पाथ एबीसी इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग पाथ एबी प्लस वर्क डन अलोंग पाथ बीसी, है ना। तो ये वाला टर्म जो है वो जीरो आया था और बीसी में जो वर्क डन है वो सिक्स जूल आया है, ये सिक्स जूल आया है, तो कुल मिलाकर के ये सिक्स जूल आ गया। इसके बाद आते हैं जो दूसरा वाला पार्ट है एसी, है ना, एसी पाथ के अलोंग वर्क डन निकालना है यहां से यहां तक। तो इसमें हम लोग निकालेंगे वर्क डन अलोंग पाथ एसी, जो फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला वो तो यही है वाई डी एक्स एक्स डी वाई, चाहे यहां भी लिखा है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट का लिमिट रखेंगे जीरो से टू और वाई कोऑर्डिनेट का लिमिट रखेंगे जीरो से थ्री। अब देखेंगे कि यहां अननेसेसरी वेरिएबल है वाई और यहां अननेसेसरी वेरिएबल है एक्स, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ पाथ। तो y इज इक्वल टू थ्री बाय टू एक्स रखा जा सकता है यहां पर, यह आएगा थ्री बाय टू एक्स डी एक्स जीरो से टू प्लस, यहां पर x की वैल्यू इसमें से फाइंड किया जा सकता है, यह आएगा टू वाई बाई थ्री, तो यहां पर रखेंगे टू वाई बाई थ्री इंटू डी वाई और y का लिमिट जो है वो जीरो से थ्री है। अब इंटीग्रेशन आसान है क्योंकि यहां सिर्फ x आ गया, यहां सिर्फ y आ गया, है ना। तो इंटीग्रेशन करके आप लिमिट रख के देख सकते हैं,
ये आ जाएगा 3/2, इसका आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, 0 से 2, प्लस इसमें 2/3 बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, 0 से 3। तो जब वैल्यू इसमें रखेंगे तो वैल्यू रखने के बाद आप देखेंगे कि वर्क डन अलोंग पाथ एसी ये भी आ जाएगा 6 जूल। यहां भी आया था एबीसी पाथ के अलोंग भी वर्क डन 6 जूल आया था। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा फोर्स है जिसको हम लोग कंजर्वेटिव कर सकते हैं। थोड़ा देर पहले मैंने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात किया था तो कह रहा था कि ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, है ना। यानी कि हमने देखा कि इस पाथ से ले गए तो 6 जूल का वर्क आया, इस पाथ से ले गए तो 6 जूल का ही वर्क आया। यानी ये जो फोर्स है इसको मैं कंजर्वेटिव फोर्स कह सकता हूं, ठीक है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि अगर वर्क डन जो है वो इनडिपेंडेंट ऑफ पाथ आता है तो कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा सिर्फ हम लोग तभी कह सकते हैं जब कोई फोर्स हाइपोथेटिकल हो, मतलब जिसके बारे में हमें ये पता नहीं हो कि ये डिसिपेटिव नेचर का है या नहीं है, है ना। क्योंकि कोई फोर्स कंजर्वेटिव होगा या नहीं होगा उसको चेक करने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। दो कंडीशन पहले मैं बता देता हूं, है ना। ये कंडीशन है फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। एक तो ये कंडीशन होना चाहिए और दूसरा है कि फोर्स शुड नॉट बी डिसिपेटिव। डिसिपेटिव का मतलब हुआ कि एनर्जी का लॉस नहीं कराना चाहिए, उसका नेचर डिसिपेटिव नहीं होना चाहिए। तो कुछ फोर्सेज हैं जैसे कि रेजिस्टिव फोर्सेज होते हैं, एयर फ्रिक्शन हो गया, जो नॉर्मल फ्रिक्शन हो गया या विस्कस फोर्स हो गया, इनके बारे में हमें पता है कि ये जो है एनर्जी को लॉस कराते हैं, ये डिसिपेटिव नेचर के होते हैं। तो इनके बारे में तो हम लोग दूसरा वाला पॉइंट कन्फर्म कर सकते हैं, लेकिन हाइपोथेटिकल फोर्सेज जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाता है ऐसा फोर्स जिसमें एक्स वाई जेड रहते हैं, अब उनके बारे में हम पता ही नहीं कर सकते कि डिसिपेटिव है या नहीं है। तो उनके केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। अगर वर्क डन जो है पाथ के इनडिपेंडेंट हो गया तो कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। बाकी अगर पॉसिबल हो तो दोनों कंडीशन ही चेक करना चाहिए, है ना। यहां पर हमें लिखना चाहिए एंड, एंड का मतलब हुआ ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाकर के फोर्स को कंजर्वेटिव कहा जा सकता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स हो जाएगा जो कि कंजर्वेटिव नहीं हो, यानी इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो या दोनों को नहीं सेटिस्फाई कर रहा हो, है ना। कोई ऐसा फोर्स हो सकता है जिस जो इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो या कम से कम एक जगह फेल हो गया तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। फोर्स वर्क डन बाय व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन पाथ और इट इज डिसिपेटिव बाय नेचर। मतलब कि या तो वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट हो या
डिसिपेटिव नेचर का हो या दोनों हो, और बोथ मतलब कि वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट भी हो जाए और डिसिपेटिव नेचर का भी हो जाए तो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। तो जैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर होता है स्प्रिंग फोर्स और मॉलिक्यूलर फोर्स। ये सारे फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, है ना, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स हो गया। तो ये तो ऐसे फोर्सेज है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं, है ना, ये हाइपोथेटिकल फोर्सेज नहीं है। हाइपोथेटिकल फोर्सेज में जो है ये डिसिपेटिव वाला जो नेचर की बात करते हैं उसको हम चेक नहीं कर सकते, तो उस केस में सिर्फ ये वाला पार्ट चेक करते हैं, यानी कि वर्क डन जो है पाथ के इनडिपेंडेंट हो तो कंजर्वेटिव, पाथ पर डिपेंडेंट हो तो नॉन कंजर्वेटिव।